अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल देखो। तो यार आज मैं आपको जिस मोबाइल के बारे में बताने चाह रहा हूँ वो है इन्फिनिक्स हॉट 10 लाइट। ठीक है, इन्फिनिक्स हॉट 10 लाइट जो है वो भी एक जैसे कह सकते हैं बजट फ़ोन है। सिर्फ और सिर्फ इसकी प्राइस जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 14 से 15 हज़ार या मैक्सिमम 16 हज़ार होगी। तो आज आपको मैं इस मोबाइल के बारे में सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि आपको ये मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसकी प्राइस इसके हिसाब से सही है कि नहीं, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्राइस जो है वो 14 से 15 हज़ार होने वाली है। बात करते हैं इस मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, इस मोबाइल का जो प्रोसेसर है, जो इसका CPU जिसे कहते हैं, वो 2.0 ऑक्टा कोर है, जो कि बस सही है इस तरह के मोबाइल के लिए। बंदा काफ़ी जो बाकी ब्रांड्स हैं वो भी इसी तरह से ही दे रही हैं। और जिसके अंदर चिपसेट लगा हुआ है मीडिया टेक का Helio A20 है, वो भी मतलब सही है यार। गेमिंग भी नहीं कह सकते, मतलब सही काम आपको दे देगा। मतलब अगर आपने इजी यूज़ करना है या सिर्फ इंस्टा फेसबुक वगैरह मतलब इस तरह से यूज़ करना है तो वो आपको सही देगा। ये नहीं कि अगर उस पर गेमिंग वगैरह नहीं इतनी आप कर सकते तो वो हैंग हो जाएगा या मतलब बहुत ज़्यादा वो सही नहीं चलेगा, उस पर गेमिंग वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में। जो इसकी स्क्रीन है वो 720 है, मतलब सही है, लेकिन 14-15 हज़ार में आपको 720 मिल जाए तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना ही होता है। अगर आप 1080 कह रहे हैं कि वो मिले आपको, तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, इस प्राइस में वैसे भी नहीं मिल सकता। और अगर इसकी हम साइज़ की बात करें तो वो 6.78 इंचेस है। और इसके जो वेरिएंट है रैम रोम के हवाले से, वो इसके दो वेरिएंट होंगे, एक 2/32 होगा और दूसरा जो होगा वो 3/64 होगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी आप लें सही होगा, क्योंकि उसमें सब कुछ सेम ही होगा। सिर्फ और सिर्फ उसमें जो आपके ये इसमें कैमरा होगा वो थोड़ा चेंज होगा, और दूसरा जो इसमें लगा हुआ है रैम रोम वगैरह वो चेंज होगी, वरना इसमें और कोई फ़र्क नहीं होगा। अब जो मेन बात है वो है इसके कैमरे के, भाई इन्फिनिक्स का जो कैमरा होता है वो किस तरह से होता है, वो कितना बताते हैं और अंदर कितना होता है। तो इसके बैक कैमरे पे ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, जो कि पहला जो होगा कैमरा वो 13 मेगापिक्सल है, और बाकी दो और एक LED फ्लैश भी आपको वो मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। और अगर फ्रंट के कैमरे की बात करें तो वो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा, लेकिन उस पर वीडियो जो बनेगी वो 1080 पे बनेगी। यानी कि ये कोई अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कैमरा अच्छा हो तो फिर ही वीडियो अच्छी आएगी, अगर कैमरा अच्छा ना हो तो वीडियो बेशक 4K ही क्यों ना हो तो वीडियो अच्छी नहीं बन सकती। फिर आती है बात बैटरी की। हर मोबाइल की बैटरी वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि आप सबको पता है इन्फिनिक्स जो है वो अपने फ़ोन्स में एक डिस्प्ले बहुत ही बड़ा दे रहा है, और इसके अलावा जो बैटरी है वो बहुत बड़ी दे रहा है। तो इसी तरह इस मोबाइल के अंदर भी जो बैटरी होगी वो 5000 mAh की बैटरी होगी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बैटरी है। तो यानी कि 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन भी आराम से निकाल जाती है अगर आप उसको सही से मतलब यूज़ करें। अगर आप फुल हैवी वाला यूज़ करें तो 2 दिन ईजीली निकाल जाती है। अच्छा, अब आती है मेरी ओपिनियन की बारी कि भाई मैं आपको ये फ़ोन सजेस्ट करता हूँ कि नहीं करता। यार अगर आप 14 से 15 हज़ार में लेना चाह रहे हैं ना कोई भी फ़ोन, तो यार ये फ़ोन आपको सही है। लेकिन अगर आपने कोई गेमिंग करनी है या एज अ कैमरा फ़ोन आप लेना चाह रहे हैं, तो मैंने इन्फिनिक्स का कैमरे देखे हुए हैं। इन्फिनिक्स के कैमरे जो होते हैं वो जितना बताते हैं उतना नहीं होते। वीडियो में तो ख़ास तौर पे कोई इतना ख़ास परफॉर्मेंस नहीं देते, जैसे कि पहले फ़ोन्स में भी उसने इन्फिनिक्स ने कहा कि हमारा कैमरा 64 मेगापिक्सल है, लेकिन वो 64 का नहीं होता। तो बस अब मैं आपको ये कहूँगा कि अगर 14 से 15 में आप लेना चाह रहे हैं सिर्फ एमी शेमी वाला मोबाइल, तो आप इसको ले लें। अगर आप कोई अच्छा फ़ोन चाह रहे हैं तो आप इसको ना लें। तो आज की वीडियो बस यही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए फ़ोन के साथ मिलेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।